आनंद शंकर राजपूत समाज से आते हैं, आनंद शंकर दूसरे बार जीत कर आए हैं, आनंद शंकर अगर आगे बढ़ते हैं तो एक और युवा चेहरा कांग्रेस आगे करेगी, इससे ऐतराज किसी को नहीं है। दरअसल आनंद शंकर की जात से समस्या हो गई है। आनंद शंकर जिस राजपूत कोटे से आते हैं, राजद भी उसी राजपूत कोटे से एक युवा नेता को आगे बढ़ा रही है। एक तरफ आपको याद होगा कि जो कार्तिक मास्टर हैं भूमियार कोटे के थे, उनकी छुट्टी हो गई कानून मंत्री से। फिर आपको याद होगा सुधाकर सिंह जो कि कृषि मंत्री थे राजपूत कोटे से, उनकी भी छुट्टी हो गई। तो दो सवर्णों का कोटा जो है वो राजद से छूटा हुआ है। ए टू जेड के दावा करने वाले, ए टू जेड की बात करने वाले तेजस्वी यादव के लिए ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक झटका है। कांग्रेस अपने राजनीतिक समीकरणों को जब तलाशती है तो वो सवर्णों के पास पहुंचना चाहती है। राजपूत कोटे से मंत्री नहीं इस बार कोई बने, 15 में जो सरकार बनी थी उसमें एक राजपूत कोटे के मंत्री थे। लेकिन नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये भयंकर खबर है। जी हाँ, भयंकर खबर है इसलिए क्योंकि बिहार में लगातार सियासी जो है वो तापमान फिर बढ़ गया है। आपको पता होगा कि कुछ दिनों पहले जिस तरीके से मामला बना था, तेजस्वी यादव नाराज हैं, नीतीश कुमार नाराज हैं, मलमास मेला हुआ था, उसके बाद से मैंने भयंकर खबर नहीं की है। दरअसल उसके बाद से विवाद ठंडा करने की कोशिश लगातार सभी दलों की तरफ से की जा रही थी, लेकिन एक फ्रेश विवाद फिर से बिहार के महागठबंधन की सरकार में आ गया है। दरअसल आपको पता होगा बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार लंबित है। काफ़ी दिनों से कांग्रेस इसको लेकर बयानबाजी कर रही है। कांग्रेस कायदे से जो हिसाब किताब है उस आधार पर दो और मंत्रिमंडल की मांग कर रही है। नीतीश भी न्याय से न्यायोचित मानते हैं, लेकिन पिछली बार जब नीतीश कुमार कांग्रेस को बिना किसी तामझाम के दो मंत्रिमंडल बढ़ाना चाहते थे तो उस पर ग्रहण लगा दिया था तेजस्वी यादव ने। तेजस्वी यादव दरअसल चाहते हैं कि नीतीश कुमार और कांग्रेस आपस में जो सामंजस्य बना रहे हैं उसमें उन्हें भी शामिल रखा जाए। नीतीश चाहते हैं कि कांग्रेस से वो सीधी बात करके कांग्रेस को रिवॉर्ड करें, लेकिन बार बार तेजस्वी यादव इसमें हस्तक्षेप कर देते हैं। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव चाहते हैं कि कांग्रेस एक सर्टेन राजनीतिक समीकरण तक ही सीमित रहे, वो अपने आप को अपने राजनीतिक समीकरणों को कुछ जातियों तक ही सीमित रखें, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। दरअसल कांग्रेस में पूर्व में भी जब पिछली बार 2015 में महागठबंधन सरकार बनी थी तो कई सवर्ण कोटे के नेताओं को मंत्री बनाया गया था, कई विधायक सवर्ण कोटे से मंत्री बने थे। लेकिन अब इस बार जो कांग्रेस की तरफ से दो मंत्री हैं, दोनों एक पिछड़ा दलित समाज से और एक ओबीसी समाज से आते हैं। ऐसे में कांग्रेस चाहती है कि सवर्णों का एक बड़ा वोट बैंक जो कांग्रेस अपने पाले में करने की कोशिश करती है, कई जगहों पर इसमें सफल भी होती है, उसे बनाए रखने के लिए वो सवर्ण कोटे से खासतौर पर ब्राह्मण समाज से नेता मंत्रियों को बढ़ाए। देखिए ब्राह्मण समाज से कौन कौन से नाम है ये भी आपको बताएंगे, उसके अलावा और सवर्ण समाज से कांग्रेस से कौन कौन से नाम लगभग फाइनल है ये भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये जानना चाहिए कि दरअसल तेजस्वी, कांग्रेस और नीतीश तीनों में इस मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर फिर से ठन गई है। ठन क्यों गई है वो जान लीजिए। केवल कांग्रेस को ही मंत्रिमंडल में स्थान नहीं मिलना, दो राजद को भी स्थान मिलना है। आपको पता होगा पूर्व में एक तरफ आपको याद होगा कि जो कार्तिक मास्टर हैं भूमियार कोटे के थे, उनकी छुट्टी हो गई कानून मंत्री से। फिर आपको याद होगा सुधाकर सिंह जो कि कृषि मंत्री थे राजपूत कोटे से, उनकी भी छुट्टी हो गई। तो दो सवर्णों का कोटा जो है वो राजद से छूटा हुआ है। ए टू जेड के दावा करने वाले, ए टू जेड की बात करने वाले तेजस्वी यादव के लिए ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक झटका है। वो इससे उभरना चाहते हैं, इसको लेकर उन्होंने तैयारियां भी कर रखी थी। जहां एक तरफ अनंत सिंह की पत्नी को वो मंत्री बनाना चाहते थे भूमियार कोटे से, वहीं राजपूत कोटे से बिस्कुमान वाले नेता एमएलसी जो है सुनील सिंह उनका नाम चल रहा था, लेकिन इसके लिए उन्हें बिस्कुमान वाले अपने पद को छोड़ना पड़ता। वो तैयार नहीं हुए, आगे चलकर उनकी रणनीतियाँ शायद भाजपा के साथ जाने की भी हो सकती हैं या कुछ भी बात हो, वो मंत्री नहीं बन रहे हैं। नीतीश भी उनके नाम को तैयार नहीं है। तो ऐसे में अब क्या करेगी राजद? देखिए राजद जो करने जा रही है उसकी वजह से फेस फंस जाता है कांग्रेस का। अब कांग्रेस के जान लीजिए, देखिए कांग्रेस की तरफ से दो जो सीटें मंत्रिमंडल में बढ़ेंगी उसमें दोनों कोटे में कांग्रेस चाहती है कि चूंकि ओबीसी और दलित एडजस्ट हो गए हैं दो कोटे पर, तो दो और जो कोटा बचता है उस पर हम सवर्णों को एडजस्ट कर लें, इसके लिए नाम चल रहे हैं। जहाँ एक तरफ विजय शंकर दुबे का नाम चल रहा है ब्राह्मण से, वहीं मदन मोहन झा का नाम चल रहा है। अब दोनों ब्राह्मण तो कांग्रेस बना नहीं पाएगी, इसको लेकर मंथन भी कांग्रेस लगातार कर रही थी। जो कांग्रेस के प्रभारी बिहार के हैं भक्तचंद दास,
और जो बिहार के अध्यक्ष हैं उन दोनों ने बातचीत भी आपस में की, लेकिन रास्ता बीच का इसमें निकलता नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में कांग्रेस की तरफ से और भी नाम प्रस्तावित किए गए थे, एक ओबीसी कोटे का मंत्री का भी नाम रखा गया था संभावित में, लेकिन जो मुख्य नाम रखा गया था वो था आनंद शंकर का। आनंद शंकर जो कि कांग्रेस के विधायक हैं, राजपूत समाज से आते हैं, इनका नाम कांग्रेस ने सुझा दिया था। इसके साथ साथ एक नाम मदन मोहन झा और विजय शंकर दुबे में से किसी एक का आगे बढ़ाया गया था। कायदे से मदन मोहन झा का ही नंबर बड़ा आता है, वो पूर्व मंत्री रह भी चुके हैं, अध्यक्ष भी थे, और कांग्रेस उनको संटिंग में नहीं रख सकती है, इसलिए कांग्रेस उनको जल्दी प्राथमिकता देना चाहती है। लेकिन अब पेच यहाँ फंस गया है, दरअसल पेच ही नहीं फंसा, ठन गया है। नीतीश, तेजस्वी और कांग्रेस के बीच मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर फिर से ऐसा पेच फंसा है कि हो सकता है फिर से मंत्रिमंडल ना हो पाए विस्तार। देखिए, कायदे से तो आज ही मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला था 24 तारीख को, लेकिन सुबह सुबह कयास लग रहे थे कि एक से दो दिन में हो जाएगा सब कुछ। अब खबर आ रही है कि इस तरीके से पेच फंसा है ये कि जल्दी इसका कोई रास्ता निकलता नजर नहीं आ रहा है। कहाँ पेच फंस गया है ये आपको बता देते हैं। देखिए, पेच तो फंसा है कांग्रेस द्वारा सुझाए गए नाम पर। अब वो फंसा क्यों है वो जानिए। आनंद शंकर राजपूत समाज से आते हैं, आनंद शंकर दूसरी बार जीत कर आए हैं, आनंद शंकर अगर आगे बढ़ते हैं तो एक और युवा चेहरा कांग्रेस आगे करेगी, इससे ऐतराज किसी को नहीं है। दरअसल आनंद शंकर की जात से समस्या हो गई है। आनंद शंकर जिस राजपूत कोटे से आते हैं, राजद भी उसी राजपूत कोटे से एक युवा नेता को आगे बढ़ा रही है। ये बात सुनकर कई लोगों को अच्छा भी लगा, कई लोग मिक्स प्रतिक्रिया देंगे, लेकिन राजद इस बार राजपूत कोटे से जो नाम आगे कर रही है वो नाम ही चौंकाने वाला है, और उसकी वजह से ही सारा विवाद हो रहा है। दरअसल तेजस्वी यादव नहीं चाहते हैं कि राजपूत कोटे से जो नाम वो सुझा रहे हैं तो कांग्रेस भी राजपूत कोटे से ही किसी को एडजस्ट करे, यहाँ तक कि लालू यादव को भी इंटरफेयर इसमें करना पड़ गया। खबर आ रही है कि आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद को बिहार सरकार में मंत्री बनाया जा सकता है, सुधाकर सिंह की जगह उनकी वापसी हो सकती है, और जो मंत्रालय उनको मिला था शायद वही मंत्रालय उनको दे दिया जाए। यह भी खबर आ रही है कि राजपूत कोटे से इस सीट को, इस नाम को लगभग राजद ने कंफर्म कर दिया है। ऐसे में राजद नहीं चाहती है कि आनंद शंकर जो कि एक और राजपूत मंत्री बन जाएंगे, तो दो राजपूतों को एक साथ मंत्रिमंडल में स्थान दिया जाए। इससे आनंद शंकर का जो नाम है और कांग्रेस के द्वारा प्रस्तावित जो नाम है वो कट जाता है। अब कांग्रेस के सामने यह शर्त रख दी गई है कि आप राजपूत समाज छोड़कर किसी और समाज के नेता को बना लीजिए मंत्री। अब यहीं पेच फंसता है। दरअसल कांग्रेस के पास और कोई नाम है ही नहीं। कांग्रेस अपने राजनीतिक समीकरणों को जब तलाशती है तो वो सवर्णों के पास पहुंचना चाहती है। राजपूत कोटे से मंत्री नहीं इस बार कोई बने, 15 में जो सरकार बनी थी उसमें एक राजपूत कोटे के मंत्री थे, लेकिन इस बार कांग्रेस राजपूत कोटे का मंत्री नहीं दे पाएगी। तेजस्वी यादव, लालू यादव और नीतीश कुमार इसके लिए तैयार नहीं है। अब यही पेच फंसता है। अब खबर यह आ रही है कि कांग्रेस इस वक्त एक बड़ी बैठक हाई लेवल पर कर रही है और वो दबाव डालना चाहती है कि राजपूत कोटे से जो नाम कांग्रेस ने तय किया है उसे माना जाए। नहीं माना जाएगा तो क्या होगा? अरे नहीं माना जाएगा तो हम आपको बताएंगे ना कि क्या आगे का विवाद होता है। फिलहाल बड़ा विवाद यही है कि कांग्रेस के द्वारा प्रस्तावित नाम को ठुकरा दिया गया है। राजद अपने राजपूत कोटे को सुरक्षित रखना चाहती है, कांग्रेस को राजपूत कोटे से मंत्री देना नहीं चाहती है। कुछ यहाँ तक ये कहा जा रहा है कि मदन मोहन झा और विजय शंकर दुबे दोनों ब्राह्मणों को आप बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पेच तो यहीं फंस जाता है। कांग्रेस जो बैठक कर रही है उसका क्या निष्कर्ष निकलता है जैसे ही आता है हम आपके पास लेकर आते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।